कुछ केसेस में हम बिल्कुल बता सकते हैं, और ये लैब में होता भी है, फॉरेन की भी लैब्स और इंडिया की भी लैब्स, हमारे भी लैब में हम लोग ऐसे बहुत सारे एम्ब्रियोस करते हैं जो ट्रांसफ़र ही नहीं करते हैं। तो अगर आप पूछो तो जो हम प्रेगनेंसी मतलब जो हम पिकअप कर रहे हैं, ओवम पिकअप मतलब जो हम अंडे निकाल रहे हैं और जो हम भ्रूण डाल रहे हैं, दोनों में बहुत गैप होता है। अगर आपके अच्छे भ्रूण नहीं बन रहे हैं ऑब्वियसली, क्योंकि आपके एग और स्पर्म में प्रॉब्लम है, तो उस केस में हम ट्रांसफ़र ही नहीं करते हैं। पेशेंट को पहले ही बता देते हैं कि तुम्हारे ग्रेड सी ग्रेड डी एम्ब्रियोज बने हैं, तुम ट्रांसफ़र मत कराओ। तो उससे जो ट्रांसफ़र का ट्रॉमा होता है वो पेशेंट उससे बच जाता है, ट्रांसफ़र के बाद की मेडिसिन नहीं लेता है। एंड सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि पेशेंट को ये पता हो जाता है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, अब मुझे ये करना है इसको एड्रेस करने के लिए। अगर हम पेशेंट को ये बात नहीं बताएंगे तो पेशेंट क्या करेगा, फिर से IVF कराएगा, मेरे पास नहीं कहीं और जाके कराएगा, किसी और जगह कराएगा, उससे उसके पैसे खर्च होते जाएंगे। इससे क्या होगा, पेशेंट को थोड़ा तो शॉक लगेगा अगर उसके एम्ब्रियोज नहीं बनते हैं तो, लेकिन एटलीस्ट उसको ये पता होगा कि हाँ चलो हमारा यहाँ पे सही इलाज हुआ, हमें बता दिया डॉक्टर्स ने कि ये प्रॉब्लम है, एग में प्रॉब्लम है, स्पर्म में प्रॉब्लम है, इसकी वजह से एम्ब्रियोज नहीं बन रहे हैं। तो आगे चल के अगर वो पेशेंट्स विलिंग होते हैं तो वो डोनर ले लेते हैं, या तो फिर अपना एडॉप्शन कर लेते हैं, IVF साइकिल के लिए नहीं जाते हैं, जैसे भी उनकी इच्छा होती है। हमारी तो यही कोशिश रहती है कि पहले ही पेशेंट्स को जितना स्क्रीन हो सके, जो प्री इन्वेस्टिगेशन होते हैं वो करा के देख लें, जो पेशेंट्स बच जाते हैं फिर उनका हम पिकअप और एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं अकॉर्डिंगली। एंड एम्ब्रियोज तभी ट्रांसफ़र करते हैं जब वो ग्रेड ए बनते हैं, या मैक्सिमम ए बी या बी सी एंड डी एम्ब्रियोज जो ग्रेडिंग होती है उनको तो डिस्कार्ड ही कर दिया जाता है, फेंक दिया जाता है।